अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज ताहिर रेलवे में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम आए हैं पत्तो रेलवे स्टेशन पे, तो इसकी बिल्डिंग के अंदर अभी चलते हैं। हमें यहाँ पे जो है रेलवे की इंतज़ामिया, उनके ये क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है अंदर से। तो नाज़रीन, हम रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक टिकट घर है, यहाँ पे तमाम गाड़ियों की जो है टिकट दस्तियाब हैं। हर गाड़ी की यहाँ पे टिकट मिल जाती है। तो गाइस, यहाँ पे प्लेटफार्म 1 पे हम आ चुके हैं। तो ये एक कैंटीन है और ये साथ में मस्जिद है अंदर से। हमारे साथ हैं हमारे छोटे भांजे इकबाल, इकबाल भाई हमारे साथ हैं। ये प्लेटफार्म 1 है और प्लेटफार्म 2 वो है, वो तीसरा है, और 4 नंबर वहाँ पे, वो लास्ट में वो जी 5 नंबर प्लेटफार्म है, वहाँ पे भी चलते हैं। तो ये तमाम प्लेटफार्म के लिए जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे हर मुसाफिर जिस प्लेटफार्म पे वहाँ पे खड़ना होता है, वो सीढ़ियों का इसीलिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से पूरे पत्तो रेलवे स्टेशन का ना पूरा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो गाइस, हम प्लेटफार्म 2 पे आ चुके हैं। तो गाइस, मैं कल कोड लखपत से बैठा था इलामा इकबाल में, तो मैंने कहा था आप लोगों को भी, मैं जितने तमाम मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने, मैंने यही कहा था भी मैं कल जो है आज के दिन इलामा इकबाल में ट्रैवलिंग करूँगा भावलपुर के लिए। तो थोड़ा सा मसला बन गया था, हमारी जो गाड़ी थी ना इलामा इकबाल, वो मिसिंग होगी हमारे से। तो आज हम जाएंगे अवाम एक्सप्रेस में, अवाम एक्सप्रेस से वो आएगी रात को 8:50 पे, तो उसमें बैठेंगे फिर भावलपुर के लिए रवाना होंगे आज रात को। कराची से शावर की तरफ जाने वाली जो गाड़ी है 1UP खैबर मेल, वो 5:30 पे पत्तो रेलवे स्टेशन पे आएगी। उसे कवर करके फिर हम घर जाएंगे, उसके बाद फिर हम 8:05 पे हम स्टेशन आ जाएंगे, फिर अपनी गाड़ी का इंतज़ार करेंगे। जैसे हमारी गाड़ी आएगी हम उसमें बैठेंगे और आपको उसका बहावलपुर का जो जर्नी है वो आपको दिखाते रहेंगे।
और हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारी वीडियो को शो अपना सपोर्ट भी करें और शेयर भी कर लें। थैंक यू और शुक्रिया। तो गाइज मैंने अभी गूगल मैप पे गाड़ी को देखा है, वन अप कैबर मेल को, तो वो 2 घंटा लेट होगी गाड़ी। जिस टाइम हमारी गाड़ी आएगी वाम एक्सपेक्ट, उस टाइम पत्तो रेलवे स्टेशन पे उसकी एंट्री होगी। 7:30 पे उसने आना है यहाँ पे, तो हम 7 बजे आएंगे इंशाल्लाह। आपको 7 बजे के टाइम उस गाड़ी का रिव्यू दिखाएंगे आप लोगों को, फिर अपने जो है सफ़र पे अंजाम देंगे, फिर अपने घर को लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों गाड़ी है जितनी भी वो लेट हो चुकी हैं, तो अब हम चलते हैं घर। घर से हम आएंगे 7:10 पे आ जाएंगे, कि जितने भी गाड़ियों आपको उनका रिव्यू दिखाएंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं पत्तो रेलवे स्टेशन पे। तुम्हारी गाड़ी जो आ रही है प्लेटफार्म नंबर 3 पे आ रही है, तो प्लेटफार्म नंबर 3 पे चलते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी जैसे आएगी हम गाड़ी पे बैठ जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो हम सुबह के 3 या 4 बजे ना भालपुर एंटर हो जाएंगे। तो हमने टिकट जो है ले लिए, इसकी जो असल प्राइस है वो है 550 रुपये, तो ऐसे उन्होंने 600 की मुझे दी है। तो गाइस गाड़ी हमारी आ चुकी है, अवामी एक्सप्रेस जो है प्लेटफार्म नंबर 4 पे आ रही है। हमें शायद ये था भी 3 पे आएगी, वो 4 पे आ रही है। तो जैसे हम प्लेटफार्म 4 पे जाएंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी आ रही है, अब ऊपर चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 4 के लिए। मुझे जो छोड़ने के लिए आए हुए हमारे सलीम भाई हैं, सलीम भाई क्या हाल है? तो ये मुझे छोड़ने के लिए आए थे पत्तो रेलवे स्टेशन पे, तो इंशाल्लाह जैसे गाड़ी आती है फिर बैठ के यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो गाइज हमारी जो गाड़ी आ चुकी है वामी एक्सप्रेस, इंशाल्लाह यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है 4 नंबर प्लेटफार्म पे। जैसे गाड़ी खड़ेगी तो हम यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे, तो इंशाल्लाह सुबह 3 से 4 बजे दरमियान हम भावलपुर में पहुँच जाएंगे। सर थैंक यू, थोड़ा बड़ी हेल्प की थी सर तुसी। आज सलीम भाई ना आते तो मैं लेट हो जाता, मेरी गाड़ी मिसिंग हो जाती, जैसे आज इलामा इकबाल मुझसे मिसिंग हो गई गाड़ी। तो नाज़रीन जैसे कि हम उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद उकाड़ा स्टेशन पहुंच जाएंगे हम।
इधर योजना तो जैसे कि दोस्तों हम उखाड़ा स्टेशन पहुंचे तो 5 मिनट का भी स्टॉप नहीं हुआ, तो यहां से रवाना हो जाएगी गाड़ी। Thank you.
जी नाजिन साहिवाल स्टेशन पे आ चुके हम। जी नाज़रीन साहिबा रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। तो गाइस हम चीचा पत्नी रेलवे स्टेशन पे आ पहुँचे, तो 10:30 पे यहाँ पे पहुँची है। Thank you.
जी नाज़रीन, खानेवाल रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। तो 11:40 पे पहुंची है। खानेवाल जंक्शन पे हम पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, हमारी गाड़ी को व्हिसल मिल चुका है, इंशाल्लाह अब ये रवाना हो रही है खानेवाल से। 12:30 पे रवाना होगी यहाँ से। मिल चुका सिग्नल, बैठे चढ़े उधर मिल गए। तो जैसे कि गाइस, गाड़ी हमारी रवाना हो चुकी है यहाँ से। तो धीमे धीमे ना प्लेटफार्म को हम पीछे छोड़ रहे हैं।
تو اور لاہور سے کراچی تک جانے کے لیے شاہ لطیف 44 ڈاؤن جو ہے وہ کھانے والے جنکشن پہ آ چکی ہے, پلیٹ فارم نمبر 4 پہ.
चल खेच तो जैसे कि गाइस मुल्तान से गाड़ी चल चुकी है, मुझे तो नींद आ गई थी, मुझे पता ही लगा मुल्तान कब आया। तो मुल्तान पहुंचा तो रवाना हो चुकी गाड़ी यहाँ से, फिर ठीक 1:30 में रवाना हुई है गाड़ी। और परली तरफ शाह लतीफ आ चुकी दोबारा सुल्तान पे, वो कल की गाड़ी थी 22 तारीख, वो लड़ाई सी बात है। ठीक है, 12 बजे के बाद तारीख चेंज होगी। Thank you.
जी नाज़रीन, सुरजा बाहर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। पूरे 2 बजे यहाँ पे आ चुकी गाड़ी। तो जैसे कि गाइस हैदराबाद दोबारा आ चुके हम, ठीक 2:30 में दोबारा पहुंच चुके हम। तो जैसे कि गाइस लोधरा से रवाना हो चुकी गाड़ी, हमारा जो लास्ट स्टेशन है वो है भागलपुर। Thank you.
नहीं नाजिन, हम बावलपुर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, ठीक 3:01 पे। तो लो नाज़रीन, हम अपने शहर में आ चुके हैं बहावलपुर। ठीक 3:00 हम अपने बहावलपुर शहर में उतर चुके हैं, तो अब अपने घर चलते हैं। तो गाइस, जिस गाड़ी में हम आए थे वो गाड़ी रवाना हो चुकी है यहाँ से बहावलपुर से, अवाम एक्सप्रेस। ठीक 3:05 पे रवाना हुए यहाँ से। तो लो नाज़रीन, गाड़ी हमारी रवाना हो चुकी है, जिस गाड़ी में हम ट्रैवलिंग करके आए हैं पत्तों से बहावलपुर, वो कराची की तरफ रवाना हो चुकी है। हेलो।